वृंदावन में आयो तने राधे नामन गायो तेरे जीवन को धिकारे तटे जा राधे। किसी ने कहा पर महाराज एक बात समझ में नहीं आई क्या, बोले वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते। अच्छा एक बात बताओ वृंदावन का राजा कौन है पता है आपको कौन है वृंदावन का राजा? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण तो द्वारिका के राजा हैं, वृंदावन के राजा कृष्ण नहीं है, है? अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली काना भी दीवाना है उस राधे प्यारी का, काना भी दीवाना है उस राधे प्यारी का, काना भी दीवाना है उस राधे प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, दीवाना है राधे प्यारी का, दीवाना है राधे प्यारी का। वृंदावन की राजा है राधे रानी। तो देखो भाई जिस जो राजा है उसका तो नाम लेना ही पड़ेगा ना, पहली बात। दूसरी बात वृंदावन के भगत समझदार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि और कोई समझदार नहीं, सभी समझदार हैं, लेकिन एक बात कही कैसे, पिताजी से कोई काम करवाना हो और आप पिताजी के पास में डायरेक्ट जाओ सीधे जाओ तो काम होने में संदेह है। तो बोले पिताजी से कोई काम करवाना हो तो पहले माताजी के पास जाओ और माताजी को बोल दो माताजी पिताजी से ये, अब माताजी क्या करेगी? जब पिताजी का मूड सही देखेगी, दिमाग देखेगी, इस समय ठीक है, उस समय धीरे से बोल देगी जी सुनो बेटा ये बोल रहा था, अब आप क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है तूने कह दिया मैंने कह दिया बात एक ही कह दिया और काम हो गया, समझ गए बात। यानी वृंदावन के भक्त इस बात को जानते हैं कि माताजी की शरण में चले जाओ, राधे रानी की शरण में चले जाओ तो कृष्ण भगवान तो जाएंगे कहाँ, वो तो पीछे पीछे उनकी तरफ से तो हाँ ही है फिर ना है ही नहीं। क्या बखान करें श्री धाम वृंदावन की महिमा को महाराज, क्या बखान, बड़ी अनुपम महिमा है श्री धाम वृंदावन की, बड़ी। एक बार बादशाह अकबर वृंदावन की महिमा देखने के लिए गए, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से मिलने के लिए गए, क्योंकि तानसेन जो हरिदास जी के शिष्य थे कितना सुंदर गाया करते थे, तो तानसेन जी से कई बार कहा बादशाह ने कि तानसेन तू अपने गुरुजी से नहीं मिलाएगा, गुरुजी से नहीं मिलाएगा। तानसेन बोल मन में विचार करता है कि आप मेरे गुरु को देखोगे तो आपके मन में वो श्रद्धा नहीं, क्योंकि आप तो राजसी भाव में रहते हो, नहीं नहीं गुरुजी से मिलवा। ठीक है चलो वृंदावन में लेकर के गए तो गुरुजी तो महाराज एक गमछा बांधे हुए और बालू में पड़े हुए थे, हरिदास जी महाराज तो बालू के अंदर लेटे हुए थे और महाराज एक गमछा बांध रखा था, बस लपेट रखा था, एक बढ़िया कटी वस्त्र लपेटे हुए और बढ़िया मुस्कुरा रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। बादशाह एक उस समय महाराज बड़ा कीमती सेंट लेकर के गए, लाखों रुपए का कीमती सेंट शीशी में लेकर के गए, इत्र लेकर के गए और बादशाह जाकर हरिदास जी के पास में खड़े थे। हरिदास जी महाराज मुस्कुरा रहे थे और बादशाह ने कहा महाराज ये मैं इत्र लेकर के आया हूँ। हरिदास जी ला ला जल्दी ला जल्दी ला, और हरिदास जी महाराज ने वो इत्र लिया और लेकर के शीशी को खोल करके और बालू में डाल दिया। बादशाह ने मन में सोचा अक्ल नहीं, इतना महंगा इत्र दुनिया को देखने के लिए नहीं मिलता, मैं लेकर के आया और बाबा जी ने पूरा बालू में डाल दिया, बेकार कर।
हरिदास जी तो समझ गए बादशाह के मन के भाव को। कहा बादशाह ऐसा कर, जा तू बांके बिहारी के दर्शन करके आ जा। अब बांके बिहारी के मंदिर में जब बादशाह दर्शन करने के लिए गए तो जो इत्र बादशाह लेकर के आए थे वो इत्र बांके बिहारी के मंदिर में महक रहा था। हमारा बांके बिहारी के मंदिर में वही इत्र महक। बादशाह ने मन में सोचा ये इत्र किसी साधारण व्यक्ति के पास तो हो नहीं सकता, मैं बादशाह हूं, मेरे अलावा ये इत्र और किसी के पास है नहीं, तो ये इत्र यहां आया कैसे। अचंभित हो गया, समझ में नहीं आई बात। वापस हरिदास जी के चरणों में जाके प्रणाम किया, बाबा ये रहस्य मेरे समझ में नहीं आया, ये इत्र का रहस्य क्या है। अरे मैंने आपको इत्र दिया, आपने बालू में इत्र डाल दिया और वो इत्र बांके बिहारी के मंदिर में महक रहा था, ये रहस्य मेरे समझ में नहीं आया। बादशाह ने कहा, महाराज स्वामी हरिदास जी ने कहा, अरे बादशाह इन चमड़े की आंखों से तुझे वो दिव्य रहस्य पता नहीं चल सकता। अरे महाराज रहस्य है क्या। बोले बादशाह जिस समय तू मेरे से मिलने के लिए आया उस समय मैं अपने प्रिया प्रीतम श्याम सुंदर और राधे की उस लीला का दर्शन कर रहा था जिसमें राधे और कृष्ण दोनों होली खेल रहे थे। राधे श्याम पर पिचकारी मार रही थी, श्याम राधे पर पिचकारी मार रहे थे और लास्ट में श्याम की पिचकारी तो भरी हुई थी, राधे की पिचकारी खाली हो गई। राधे बोली बाबा बाबा अब मेरी हार हो जाएगी क्योंकि लास्ट पिचकारी श्याम के पास में भरी है और उन मेरे पास में पिचकारी नहीं है। श्याम ने पिचकारी मारी, राधे बोली बाबा मेरी हार है गई। हरिदास जी बोले ऐसे कैसे हार है गई। बादशाह से कहा ला बादशाह जल्दी से इत्र दे और वो सेंट लेकर के राधे की पिचकारी में भर दिया और राधे ने वो सेंट से भरी पिचकारी श्याम पर मारी और मारा श्याम भी हार गए पर वो इत्र भी पूरा महक गया। राधे की जीत। क्या वृंदावन का रहस्य, क्या हमारा अद्भुत। बादशाह बोले स्वामी जी हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप बताइए क्या सेवा करें। परिदास जी तो समझ गए कि ये क्या सेवा करेगा। हरिदास जी स्वामी हरिदास जी ने कहा बादशाह तू छोड़ तेरी बस कोई सेवा नहीं, कोई नहीं नहीं महाराज सेवा करना चाहते। तो कहा बादशाह ऐसा कर वो केसी घाट का एक कोना टूट गया है तो उस कोने को बनवा दे। बादशाह को बहुत बुरा लगा कि इतना बड़ा बादशाह और काम भी सौंपा तो क्या एक छोटा सा कोना केसी घाट क्या काम सौंपा। हरिदास जी बोले बादशाह जाके देख ले भाई उसमें क्या लगाना है कैसे बना देख के। तो और सजनों जैसे ही बादशाह केसी घाट पर पहुंचे और उन्होंने वो कोना टूटा हुआ देखा, केसी घाट को देखा तो महाराज ऐसा सुंदर दिव्य घाट मोती मणियों से चम 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 चमक रहा था। बादशाह ने मन में सोचा मैं अपने पूरे खजाने की संपत्ति क्या पूरे राज्य की संपत्ति भी कुर्बान कर दूं तो इस कोने की बात को छोड़ो, इसमें लगा हुआ एक हीरा भी खरीद करके नहीं लगा सकता। ऐसा अद्भुत वृंदावन धाम का दृश्य। तो सजनों कोई पार नहीं पा सकता, वृंदावन सोवन नहीं इसलिए कहा और नंद गांव सो गांव और बंसी वट सो वट नहीं श्री राधे नाम सोना। वृंदावन सोवन नहीं बड़ा निराला श्री धाम वृंदावन धाम है। नारद जी मन में विचार करते हैं चलो मैं दर्शन कर लू और जब वृंदावन में दर्शन करने के लिए गए तो जमुना के किनारे भक्ति देवी को व्याकुल देखा जिसकी गोद में ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्ध होकर के सोए हुए थे। भक्ति देवी ने कहा हे नारद जी आपके एक वचन में वो शक्ति है कि ध्रुव जी को दिव्य परमात्मा की प्राप्ति प्रदान कर दी और प्रहलाद को किस प्रकार नाना प्रकार के अत्याचारों से बचाते हुए परमात्मा की गोद में पहुंचा दिया, आप मेरे इन बालकों का कष्ट भी दूर करो।
और नारद जी महाराज ने भक्ति के पुत्रों का दुख दूर करने के लिए वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुहुर मुहु वेद वेदांत सुनाया, गीता पाठ तो महाराज बार बार सुनाया, लेकिन उनकी वृद्धावस्था तो बहुत दूर की बात है, उनको ठीक से आंख भी खोल पाना संभव नहीं हो पाया। नारद जी ने सोचा अब क्या करूं, मेरे पास में जितनी चूर्ण चटनी थी सारी चटा दी, अब करूं क्या। नारद जी ने विचार किया अब मेरा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, उद्यमे सफलस्तोयम् भविष्यति न संशयः, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, इनकी वृद्धावस्था अवश्य दूर होगी। अरे होगी कैसे, बोले इसके लिए सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा अभी तक क्या कर रहा था, अब कौन सा सत्कर्म करूं, बोले ये तो आपको कोई साधु बताएगा। नारद जी बोले लो हम तो अपने आप ही को बहुत बड़ा साधु समझ रहे थे, हमसे भी बड़ा कोई साधु, कोई साधु बताएगा। नारद जी कहते हैं मैं उन्हीं संत की खोज में और महाराज यहाँ तक आप तक पहुंचाऊं, अब आप बताओ मैं कौन सा सत्कर्म करूं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो जाए। तो सनकादिगण कहते हैं महाराज हे नारद जी आप चिंता न करें, चिंता छोड़ दें। तो महाराज उनका कष्ट दूर कैसे होगा आप ये तो बताएं। माम चिंताम कुरु देवर से हर से चित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वे वही। अरे जिस उपाय से उनका दुख दूर होगा उसका वर्णन आपने पहले किया है, आप जानते हैं और फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं। महाराज मैं समझा नहीं, महाराज क्या नहीं समझे। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद भागवतालाप सहतु गीत सुकादि भी। श्रीमद भागवत महापुराण आप भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को श्रवण करवाओ और उस ज्ञान वैराग्य को जब भागवत की दिव्य कथा का अमृत प्राप्त होगा तो उसका सारा का सारा दुख दूर हो जाएगा। नारद जी बोले महाराज भागवत की कथा जिन वेदों से प्रकट हुई है मैंने वो वेद वेदांत सुना दिए। अब भागवत तो वेदों से निकली है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। सनकादिगणों ने कहा बोले महाराज एक बात बताओ क्या। बोले दूध कहां से निकलता है, घी कहां से निकलता है, दूध से। आजकल तो कहीं से बना लो, ऑर्डर देने की जरूरत है आपको, घी कहीं से बन के आ जाएगा। लेकिन वैसे घी दूध से बनता है। अब मान लो घी से दीपक जल रहा है, अब कोई व्यक्ति ये कहे कि दीपक में घी खत्म होने वाला हो, कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई ये घी दूध से निकला है ऐसा करो इसमें दूध डाल दो, तो जो काम घी से हुआ है वो दूध से होगा क्या, जबकि घी दूध से ही निकला है। आम का फल खाते हो बड़ा मीठा लगता है, कोई कह दे जब आम इतना मिठास वाला है इतनी पौष्टिकता दे रहा है तो आम का पेड़ कितनी पौष्टिकता देगा, होगा क्या वो काम। ऐसे ही भले ही भागवत वेदों से निकली है लेकिन जो संतुष्टि जो पुष्टि जो आनंद भागवत की कथा श्रवण करने से आता है महाराज वह वेदों से भी नहीं। इसलिए हे नारद जी आप भागवत की कथा का श्रवण करवाओ। बोले महाराज आपसे ज्यादा अच्छा वक्ता और कौन मिलेगा, ऐसा करो आप ही सुना दो। कहां, बोले ऐसा करते हैं वृंदावन और बद्रीनाथ के बीच का स्थान है हरिद्वार, हरिद्वार में भागवत की कथा का आयोजन रख दिया, बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े महात्मा सुनने के लिए आ रहे हैं। भागवत की कथा होगी जैसे कानों में पड़ी महाराज सब लोग श्रवण करने के लिए दौड़ पड़े भागवत की कथा को। और इसके बाद में भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जो वृंदावन में पड़े हुए थे जो आंख भी नहीं खोल पा रहे थे उनके कानों में भागवत का महात्म्य पड़ा। इधर भागवत शुरू नहीं हुई, भागवत का महात्म्य शुरू हुआ।
सनकादिगण भागवत का महत्व तो सुना रहे हैं कि भैया भागवत कोई साधारण नहीं है। अरे भागवत तो वो दिव्य पुराण है जो मुक्ति प्रदान करने की गर्जना करती है। मुक्ति दाने ने गर्जती अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानी च। सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ के समान उनसे जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक भागवत की कथा सुनने मात्र से पुण्य प्रदान हो जाता है। ऐसी भागवत की सुंदर महिमा है। अरे भैया पूरी भागवत नहीं पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, श्लोकार्ध श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्व मुखे नैव दच्छसि पराम गति। भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक आधे से आधा श्लोक भी अगर आप पढ़ते हो तो उससे भी महाराज कल्याण। क्योंकि कई लोग बोलते हैं महाराज पढ़े हुए नहीं है, हम क्या करें, भागवत की संस्कृत हमें पढ़नी नहीं आती। तो यहाँ वर्णन है कि आप पूरी भागवत के अध्याय नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, एक श्लोक तो पढ़ सकते हो, आधा तो, आधे से आधा तो, इतना ही नहीं पढ़ सकते महाराज। भागवत के मातम के तृतीय अध्याय का 33वां श्लोक जिसमें वर्णन है कि एक श्लोक आधे से आधा श्लोक कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये एक श्लोक है कृष्णाय वासुदेवाय हरये, आधा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने आधा प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः आधा। इतना भी आप कहोगे भाई पढ़े हुए नहीं है, हमें कुछ पढ़ना नहीं आता, तो कोई बात नहीं है। अरे आधे से आधा तो आप पढ़ ही सकते हो, कृष्णाय वासुदेवाय आधे से आधा, हरे परमात्मा ने आधे से आधा, प्रणत क्लेश नाशाय आधे से आधा, गोविंदाय नमो नमः आधे से, इतना तो बोल ही सकते हैं। गोविंदाय नमो नमः 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 गोविंदाय सभी बोलिए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। ब्रज की गोपी वाले इतना भी अगर आप पढ़ लेते हो तो पठस्व स्व मुखे नैव यदच्छसि पराम गति, तो परम गति प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हो। ये भागवत की महिमा है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भागवत की कथा नहीं सुनी और शक्ति रहते हुए आयोजन नहीं करवाया, उसके बारे में बताया 42वां और 43वां श्लोक भागवत के मातम्य के तृतीय अध्याय का, उसका जीवन कैसा है। बोले आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथां न पीता चांडाल वच खर्व द्वतते ननीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जनित दुख भाजन। कैसा है उसका जीवन, चांडाल
चांडाल की तरह, खर गधे की तरह है। जिसने इस भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया और शक्ति रहते हुए आयोजन नहीं करवाया, महाराज बेटी का ब्याह हुआ तो करोड़ों लगा दिए, बेटे के ब्याह में करोड़ों लगा दिए, अपने दिखावे में लाखों बर्बाद कर दिए, लेकिन बूढ़े माँ बाप की इच्छा है बेटा एक भागवत की कथा तो सुनवा दे। अरे हम तुम्हारी भागवत करवाए या अपने बच्चों को देखे? दिखावे में तो करोड़ों बर्बाद कर दिए, लेकिन माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए, पितरों का कल्याण करने के लिए लाखों भी नहीं लगा सकता। ऐसे व्यक्ति के जीवन के लिए कहा है धिक्तम नरम पशु समम भूविभार, ऐसे व्यक्ति का जीवन धिक्कार है, उसका जीवन तो पशुओं की तरह है, गधे की तरह है, जो अपने पितरों के लिए, अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस भागवत की कथा का आयोजन नहीं करवा सकता, इस कथा का श्रवण नहीं कर सकता। धिक्तम नरम पशु समम भूविभार रूपा, ऐसे व्यक्ति का बोझ इस धरती माँ को लगता है और तभी इस धरती के ऊपर बड़े बड़े भूकंप आते हैं, बड़े बड़े महाराज प्रलय आते हैं। नारद जी महाराज ने कहा भगवान आप कथा सुना रहे हो, गालियां दे रहे हो, गधा चांडाल। नारद जी ने कहा तो सनकादिगण बोले ये बात हम नहीं कह रहे हैं। तो मैवम वदन्ति दिविदेव समाज मुख्या, ये बात तो देवताओं का समाज कहता है, ये बात तो जो देवताओं के जो मुख्य इंद्र हैं वो इस बात को कहते हैं कि धिक्कार है तेरे जीवन को, धिक्कार है तेरे जन्म लेने को, तू तो माँ बाप का कोई पाप ही पैदा हुआ है, तू माँ बाप का पुत्र पैदा नहीं हुआ है। और एक बात ध्यान देना, पुत्र तो किसी भाग्यशाली के पैदा होता है भाई, जो कुंभ नाम के नरक से पिता माता को बचाए उसका नाम है पुत्र, और जो लड़ते झगड़ते और धन संपत्ति के लिए महाराज उस घर कोई नरक बना दे उसका नाम पुत्र नहीं है, उसका नाम है लड़का। पहले पुत्र और पुत्री होते थे और आजकल लड़का लड़की होते हैं, लड़ते रहते हैं, माँ बाप भी लड़ते रहते हैं, बेटा बेटी भी। जो नरक से बचाए वो पुत्र होता है और जो महाराज घर को नरक बना दे वो लड़का लड़की। बुरा मत मानना मेरी बात, आज पहला ही दिन है और आप बुरा मान जाओ। वैसे बाप निवासियों के यहाँ तो भाई पुत्र ही होते हैं, पहलो ही दिन है तो छह दिन और पड़े। पुत्र किसी भाग्यशाली के पैदा होता है भाई, पुत्र भाग्यशाली। आप कहोगे तो हमारे क्या है, या तो कर्जा लेने वाला है या कर्जा, या तो कर्जा लेने वाला है या कर्जा। धिक्कार है ऐसी संतान को जो अपने माता पिता अपने पितरों के लिए इस दिव्य आयोजन का श्रवण नहीं करवा सकता, शक्ति रहते हुए। सुंदर दिव्य भागवत का महात्म्य जब सनकादि गणों ने सुनाया तो सूत जी महाराज कहते हैं हे सनकादि महात्माओं, जो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य वेद वेदांत सुनने के बाद ठीक से आंख भी नहीं खोल पा रहे थे, वो भक्ति के पुत्र हाथ में करताल लेके और कीर्तन करते हुए भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। अपने लोग जो ये कीर्तन करते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन भागवत के मातम्य के तृतीय अध्याय का और 67वां श्लोक है, 67। हाँ 67वां श्लोक है, श्री कृष्ण गोविंद, उस श्लोक का आधा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हाथ में करताल लेकर के और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य के कीर्तन करते हुए और महाराज थोड़े थोड़े आ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव ये कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ये कीर्तन करते हुए हाथ में करताल लेकर के और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य महाराज उस स्थान पर आ गए जहां भागवत की कथा हो रही। अब देखो एक विशेष बात क्या, दो आसन खाली थे, एक पे ज्ञान बैठा एक पे वैराग्य बैठ गए। भक्ति माता बोली कि हे सनकादि गणों ये बताओ मैं कहां बैठूं, मेरे लिए तो आसन आपने दिया ही नहीं। तो सनकादि गणों ने महाराज बहुत सुंदर बात कही। सनकादि गण कहते हैं माता जी आपको बैठने के लिए अन्य आसन की क्या आवश्यकता है, आप तो ये जितने भी भक्त कथा सुन रहे हैं इन भक्तों के हृदय में विराजमान क्यों। बोले जिस भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान हो जाती है उस भक्त के यहां भगवान को आना ही, जहां भक्ति होगी वहां भगवान। यदि भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता, हर एक समस्या का समाधान कौन। बोले जिसके हृदय में भक्ति विराजमान है। और सजनों ध्यान देना, जिसके हृदय में भक्ति विराजमान होती